हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, हमारे लैब सेटअप के इस प्रोसेस में आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टूल मॉब एसएफ का इंस्टॉलेशन। मॉब एसएफ का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एक ऐसा टूल जो आपको हर एक एप्लीकेशन की ऑटोमेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने में मदद करता है। अब चाहे वो आपकी एप्लीकेशन आपके विंडोज डिवाइस की हो या विंडोज मोबाइल की हो, चाहे वो आपके एप्पल मोबाइल की हो, चाहे वो आपके एंड्रॉइड मोबाइल की हो, इन सभी में जो सॉफ्टवेयर हम यूज लेते हैं जिन्हें हम एप्लीकेशन कहते हैं, उनमें टेस्टिंग करके हमें बताता है कि उनमें क्या क्या लूप होल्स हैं। और इसे इंस्टॉल करने का जो इजीएस्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे पीआईपी इंस्टॉल मॉब एसएफ। एंड स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे आपके मॉब एसएफ का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी एंड देन फाइनली आपको कंफर्म कर देगा कि आपका मॉब एसएफ इंस्टॉल हो चुका है। कैसे कंफर्म करेंगे कि सर जैसे ही हम मॉब एसएफ कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे ये हमें शो कर देगा कि आपका जो टूल है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम जाएंगे हमारी काली मशीन पे बिकॉज उसके अंदर हमें एक फोल्डर डाउनलोड करना है इन सिक्योर बैंक का। तो यहाँ पे हम चलते हैं वर्चुअल बॉक्स में और जो लास्ट काली मशीन हमने इंस्टॉल करी थी हम उसे स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले उसको स्टार्ट करें एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक कॉन्फिगरेशन अगर हम यहाँ पे सेट कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी हमें सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज इसको अलॉटेड है। जैसे रैम की बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 4 GB के आसपास की रैम इसे अलॉट कर दें अगर आपके पास 16 GB रैम सिस्टम में है। अगर 8 GB रैम है तो अभी 4 GB दे सकते हैं और अगर 4 GB ही रैम है तो आप 2 GB तक का रैम ही अलॉट करें। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है मोनेटिक रहने दूंगा। प्रोसेसर्स पे जाऊंगा, मैं इसे फिलहाल 3 प्रोसेसर्स अलॉट कर दूंगा। एक्सेलरेशन को बाय डिफॉल्ट ही रखूंगा और बाकी सारी सेटिंग्स जो है वो ऐसे ही रहने दूंगा। नेटवर्क में ये जरूर कंफर्म करूंगा कि NAT ही सिलेक्टेड हो। ओके पे क्लिक कर दिया है हमने। इसके अलावा कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस रहेगी एंड्रॉइड APK के हिसाब से या हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के हिसाब से, वो मैं आपको धीरे धीरे गाइड कर दूंगा। अब हम हमारी मशीन को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी काली लिनक्स हमारी काली मशीन यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि हम इसके ब्राउजर में जाएंगे और वहां से इन सिक्योर बैंक का एक फोल्डर डाउनलोड करेंगे जिसमें उसका पूरा एनवायरमेंट और एक APK फाइल है जिस पर हम टेस्टिंग करने वाले हैं और ये फाइल हमें गिटहब से मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन सिक्योर बैंक, नाम लॉग ऑन कर देते हैं V2 स्पेस और साथ में लिख देंगे गिटहब, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सिक्योर बैंक का URL आ चुका है हमारे पास, है ना, जो कि दिनेश शेट्टी के नाम पे रजिस्टर्ड है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कैसे करेंगे डाउनलोड, तो पहले से थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड नाम का एक बटन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक URL शो कर रहा है, इस URL पे क्लिक करना है और अगर ये वर्क ना करे तो आप सीधा डाउनलोड जिप फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करूंगा। हमने URL कॉपी करी है, हम हमारे टर्मिनल में जाएंगे और वहां पे जाके कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। सो जूम कर लेते हैं और चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में। तो हमने यहाँ पे लिखा CD डॉक्यूमेंट्स, PWD लिख के चेक कर लें हमारी करंट लोकेशन क्या है। होम काली डॉक्यूमेंट्स है हमारी करंट लोकेशन। अब हमने यहाँ पे sudo su के जरिए रूट परमिशन दे दिए जिसका मतलब है एडमिन की पावर लेना, एडमिन की परमिशन लेना। मुझसे जो पासवर्ड मांगा मैंने वहाँ पे काली लिख के एंटर प्रेस कर दिया है। एक और चीज, जब आप लिनक्स टर्मिनल्स में पासवर्ड लिखते हैं तो वो कुछ शो नहीं होता, तो वहां पे वो कुछ भी शो नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ टाइप नहीं हो रहा है। पासवर्ड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, केवल सिक्योरिटी रीजन से वो वहां पे शो नहीं करता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। अब क्योंकि हम रूट परमिशन ले चुके हैं, इस डिस्प्ले को हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गेट स्पेस क्लोन, वो कमांड जो हमें उस URL को क्लोन करने में यानी डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। कंट्रोल शिफ्ट V के जरिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे URL को और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं सिक्योर बैंक नाम से एक फोल्डर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, सारा डेटा बेसिकली यहाँ पे क्लोन हो रहा है। जैसे इसका डाउनलोड कंप्लीट होगा हम फोल्डर के अंदर जाएंगे और आगे का जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोल्डर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। क्यों ना LS लिख के, जिसका मतलब है लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, लिखकर हम ये देखें कि हमारे करंट फोल्डर में क्या क्या फाइल फोल्डर्स पड़े हैं। एक ही फोल्डर पड़ा है एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक V2 नाम का। CD की मदद से इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और अब अगर मैं LS लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या फाइल्स पड़ी है। अगर आपको APK फाइल चाहिए तो ये रही वो APK फाइल जिसपे हम आगे की सारी टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। इस APK फाइल को हम चाहते हैं अपने एंड्रॉइड मशीन में इंस्टॉल करना, वो कैसे होगा। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मशीन्स हैं, हमें दो चीजें करनी है। एक तो जीनी मोशन को स्टार्ट करना है जिसकी मदद से हम एक एंड्रॉइड डिवाइस को स्टार्ट करेंगे। उस एंड्रॉइड डिवाइस में हमारे उस एप्लीकेशन को इनसिक्योर बैंक v2.apk फाइल को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं गूगल नेक्सस न्यू को, जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल करा था उसी को फिलहाल मैं बूट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एंड्रॉइड मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आप इसका IP एड्रेस देखें तो लिखा हुआ है 192.168.66.101:5555। अभी जो 4x5 लिखा हुआ है ये क्या है सर, एक पोर्ट है जो ओपन है और ये पोर्ट ADB की है।
तो हम एडीबी के जरिए हमारे सिस्टम से कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर सकते हैं। एडीबी क्या है? तो सर एडीबी का मतलब है एक ऐसी सर्विस, एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज है बेसिकली, एक ऐसी सर्विस है जो आपको एंड्रॉइड डिवाइस में कमांड रन करने की ताकत देती है। तो अगर हम हमारे डिवाइस को यहाँ पे सेटअप करें एक साइड और एक तरफ अपनी काली मशीन को स्टार्ट कर दें। सो स्टूडेंट्स, एक साइड हमने वर्चुअल बॉक्स को असाइन कर दिया, वहां पे हमें काली स्टार्ट करने से पहले बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस रखनी है। इसका मतलब हमारा एंड्रॉइड डिवाइस और काली मशीन दोनों सेम नेटवर्क रेंज में होने चाहिए, सेम लोकल एरिया नेटवर्क में होने चाहिए, तभी आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गूगल नेक्सस न्यू जो नाम से एक मशीन ऐड हुई है वो एक्टिव है, रनिंग दिखा रहा है, जो कि हमने जीनी मोशन से स्टार्ट करी है। हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस देख सके। तो अगर आप इसके नेटवर्क अडैप्टर्स को देखो तो यहाँ पे दो अडैप्टर सिलेक्ट करे हुए हैं, अडैप्टर 1, अडैप्टर 2, जहाँ पे फर्स्ट अडैप्टर में है पैरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क होस्ट ओनली अडैप्टर, और इसका अडैप्टर जो है वो 6 है, ये लाइन याद रखिएगा, और दूसरा है पैरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क NAT, ठीक है। अब अगर हम काली मशीन में जाएं तो यहाँ पे केवल फिलहाल एक नेटवर्क सिलेक्टेड है, वो भी डिफरेंट है, तो क्यों ना इन दोनों को सेम रेंज में लाया जाए, सेम लोकल एरिया नेटवर्क में सेट करा जाए। तो हम नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे और यहां से जाके सबसे पहले होस्ट ओनली अडैप्टर में जाके, और यहाँ पे हमारा होस्ट अडैप्टर 6 था हमारी एंड्रॉइड मशीन में भी, एडवांस में जाके इसमें पैरा वर्चुअलाइज का जो ऑप्शन है उसे हम एक्टिवेट कर देंगे, ये रहा पैरा वर्चुअलाइज नेटवर्क। सो आई थिंक हम सारी चीजें सेट कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है पहला अडैप्टर का। तो दूसरे अडैप्टर में जाए तो वहां पे इसे इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे नेट सिलेक्ट कर देते हैं, और आई थिंक यहाँ पे पैरा वर्चुअलाइज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रही है या नहीं। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हमारी एंड्रॉइड मशीन को फिर से देखा जाए तो यहाँ क्या बता रहा है, पैरा वर्चुअलाइज नेटवर्क होस्ट ओनली अडैप्टर, अडैप्टर 6 एंड पैरा वर्चुअलाइज नेटवर्क नेट। लेकिन काली मशीन में जाए तो यहाँ पे सेकेंड अडैप्टर जो है वो सेम नहीं दिख रहा है, तो उसको हम सेम सेट कर देते हैं। फिर से नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, अडैप्टर 2 पर जाएंगे और यहाँ पे एडवांस में क्लिक करने के बाद पैरा वर्चुअलाइज नेटवर्क को सिलेक्ट कर देंगे। अब ओके पर क्लिक करेंगे, अब ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहा है, यानी एंड्रॉयड मशीन और लिनक्स मशीन, काली मशीन दोनों ही सेम लोकल एरिया नेटवर्क में आ चुकी है। तो टेस्टिंग करना हमारे लिए आसान रहेगा, दोनों की बातचीत कराना हमारे लिए आसान रहेगा। अब हम हमारी काली मशीन को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारी काली मशीन अब स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसे एक साइड अलाइन कर देते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड काली मशीन को अलाइन कर देते हैं। सो यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे एंड एक साइड हमारी एंड्रॉइड डिवाइस को असाइन कर देंगे। परफेक्ट, आई होप सभी को क्लियर विजिबल होगा। एक साइड हमारी काली मशीन को असाइन हो चुकी है, एक एंड्रॉइड डिवाइस को असाइन हो चुकी है। एंड्रॉइड डिवाइस की आईपी देखें तो 192.168.66.101 थी, जो आपको यहाँ पे अपर कॉर्नर में दिख रही होगी। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे और काली मशीन की आईपी एड्रेस देखेंगे। टर्मिनल को फुल डिस्प्ले कर देते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे कमांड लिखेंगे ifconfig। तो आप देख सकते हैं अभी मुझे जो आईपी एड्रेसेस दिखा रहा है वो है ETH0 का और ETH1 का। ETH0 का 192.168.66.102, यानी ये दोनों सेम रेंज में, डिफरेंट आईपी एड्रेस है, केवल लास्ट का एक डिजिट है, जिसका मतलब सेम रेंज के ही नेटवर्क्स है। और उसके अलावा इथरनेट 1 में 10.3.15 दिखा रहा है, जो इसमें भी दिखा रहा होगा, ज्यादातर केसेस में सेम ही दिखाता है। खैर, हमें सारा काम इसी आईपी एड्रेस के जरिए करना है। तो अब हम ये चाहेंगे कि विक्टिम सिस्टम जिसका आईपी 192.168.66.101 है और उसकी पोर्ट 5555 ओपन है, क्यों ना उससे बातचीत करा जाए, और वो भी एडीबी के जरिए, ताकि हम वहाँ पे कमांड रन कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एडीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो क्यों ना रूट परमिशन दे दे, डिस्प्ले को क्लियर कर दे एंड यहाँ पे कमांड लिखे apt install adb एंड एंटरप्राइज करें। तो फिलहाल ये बता रहे हैं एडीबी पैकेज हमारे पास नहीं है। अब अगर आपको ऐसा एरर दिखा है, क्योंकि हमने पहली बार काली मशीन को सेटअप करा है, तो हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करने की जरूरत पड़ सकती है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ATC फोल्डर में और ATC के अंदर APT फोल्डर में, तो cd /etc/apt एंटरप्राइज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक फाइल है sources.list नाम की, जिसमें वो सारे URLs है जहाँ से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बेसिकली रिपोजिटरीज है, जिसके जरिए हमें सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। हमें इस फाइल को एडिट करना है, तो हम लिखेंगे gedit space sources.list। ये जरूर याद रखिएगा कि ये सारे काम हम रूट प्रिविलेजेस में, यानी रूट परमिशंस के साथ कर रहे हैं। एंटरप्राइज कर हमने ये बोला gedit इंस्टॉल नहीं है, एक बार Ctrl+C से रोक देते हैं और नैनो के जरिए फाइल में एडिटिंग कर देते हैं। gedit एक ग्राफिकल एडिट सॉफ्टवेयर है फाइल्स को एडिट करने के लिए। फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा nano space sources.list और एंटरप्राइज करा, और हमें करना ये है कि हम एरो कीज के जरिए लास्ट लाइन में आएंगे जहां पे dev src लिखा है, और इसके आगे जो हैश लिखा हुआ है, जो इस लाइन को कमेंट बना रहा है, एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा, एक्टिवेट नहीं होने दे रहा, उसको हटा देंगे। बस इतना करना है,
कंट्रोल एस के जरिए फाइल को सेव करेंगे और कंट्रोल एक्स के जरिए फाइल को एग्जिट कर देंगे, दैट्स इट। अगर आपको देखना है आप सोर्सेज डॉट लिस्ट में क्या लिखा है तो कैट के जरिए हम देख सकते हैं, कैट स्पेस सोर्सेज डॉट लिस्ट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों लाइंस लिखी हुई आ रही है, जिसमें लाइन नंबर सेकंड के आगे हैश नहीं है, यानी ये एक एक्टिव एड्रेस हो गया, और लाइन नंबर लास्ट जो है हमारी लाइन नंबर 6-7 जो है वहां पे भी डेब एसआरसी के आगे हैश नहीं है, दोनों फाइल्स एक्टिवेट हो चुकी है, दोनों एड्रेसेस एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले क्लियर करते हैं और सबसे पहला कमांड जो हम रन करेंगे वो है एपीटी अपडेट, ताकि हमारा लिनक्स का प्ले स्टोर यानी लिनक्स का एपीटी अपनी सारी रिपोजिटरीज को रीड कर ले, ताकि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमें लाकर दे सके, यानी हमने जो सेटिंग चेंज करी उसको वो अपडेट कर ले। एंटर प्रेस करेंगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीटी अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से कमांड री एग्जीक्यूट करेंगे जो कि था एपीटी इंस्टॉल एडीबी और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे इस बार ये पैकेज शो कर रहा है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम हमारा प्ले स्टोर कॉन्फिगर नहीं था इसलिए मैं एरर दिखा रहा था। हम वाई लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स एडीबी अब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। एडीबी के क्या कमांड्स है, उसे कैसे यूज लेना है देखते हैं। एडीबी के जरिए सबसे पहले हम अपने डिवाइस से कनेक्शन बना लेते हैं, खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। सो डिस्प्ले को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और अब हम लिखेंगे एडीबी और एंटर प्रेस कर देंगे, ताकि हमें एडीबी से रिलेटेड जो हेल्प है वो शो कर दे। क्योंकि मैंने इसे ज्यादा जूम इन कर रखा तो आपको फॉर्मेट कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, थोड़ा जूम आउट करते हैं, आई थिंक अब थोड़ा विजिबल है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शंस शो कर रहा है हमें जो एडीबी से जुड़े हुए हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें जो हम यूज ले सकते हैं, जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट, जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट और ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल है। फिलहाल हम करेंगे ये कि हमें चेक करना है कि हमारी एडीबी से पहले से कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडीबी डिवाइसेस। ऐसा करने पे जितने भी डिवाइस मेरे एडीबी से पहले से जुड़े हुए हमें शो कर देगा, फिलहाल कोई डिवाइस नहीं जुड़ा हुआ है। एंड विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे नम लॉक को ऑन करने के बाद। सो हम यहाँ पे अब लिखेंगे एडीबी कनेक्ट एंड विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस उसकी पोर्ट के साथ। आईपी एड्रेस था 192.168.66.101 स्पेस 5555, ये इसकी पोर्ट थी। हमने एंटर प्रेस करा और अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कह रहा है अपने होस्ट और पोर्ट के बीच में आपको कॉलन मेंशन करना है, तो हमने यहाँ पे कॉलन लिख दिया, है ना, स्पेस की जगह कॉलन मांग रहा था तो मेंशन कर दिया और एंटर प्रेस करा, तो ये कनेक्टेड टू डिवाइस दिखा रहा है। अब अगर हम फिर से एडीबी डिवाइसेस के कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक्टिव डिवाइस जो था वो शो कर रहा है। अब इस डिवाइस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं कि सर हम एडीबी का कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कुल मिला के एंड्रॉइड डिवाइस को कमांड लाइन के जरिए जो है ऑपरेट कर सकते हैं, और ये एडीबी उसके अलावा भी हमें मल्टीपल फंक्शंस देता है। तो फिलहाल हम ये करेंगे, देखेंगे कि हमने जो फाइल डाउनलोड करी थी, यानी हमने इनसिक्योर बैंक v2.apk के नाम की फाइल डाउनलोड करी थी, क्या हम उस एप्लीकेशन को इस सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो हम चलेंगे उस फोल्डर में, सबसे पहले cd/home/kali एंड डेस्कटॉप फोल्डर में हमने उस फाइल को रखा था, तो /desktop नहीं डॉक्यूमेंट्स में रखा था आई थिंक, तो हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में चलते हैं और ls टाइप करते हैं, तो यहाँ पे एंड्रॉइड इनसिक्योर बैंक v2 नाम की फाइल विजिबल है। अब हम लिखेंगे cd Android Insecure Bank V2, Enter press करेंगे, ls लिखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास Insecure Bank V2.apk नाम की फाइल विजिबल है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है बस adb install and Insecure Bank V2.apk, Enter press करेंगे। आप देखेंगे कि इसका installation process जो है हमारी victim system में यानी हमारे Android device में start हो चुका है। फिलहाल यहाँ पे हमें गूगल प्ले प्रोटेक्शन का एक एरर दिखा रहा है, जो कि कोई भी ऐप अगर आप गूगल प्ले के बाहर से इंस्टॉल करते हैं तो शो करेगा ही। हम मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको नॉर्मली इंस्टॉल ऑप्शन विजिबल नहीं होगा, तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल एनीवे का ऑप्शन विजिबल होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आई थिंक सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनसिक्योर बैंक V2 नाम का एपीके आ चुका है, परमिशन मांग रहे हैं, हम अलाउ कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब सक्सेसफुली एक ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, या फिर आप कह सकते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन का क्लोन है, ताकि हम इसमें टेस्टिंग करके समझ सके कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होती है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर अकेला इनफ नहीं है। सो स्टूडेंट्स अब अगर हम इसे अच्छे से समझना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है कि सर हमारे पास ये डिवाइस है, इस डिवाइस में हमने एक .apk फाइल इंस्टॉल करी, ये क्या है, एक बैंक की एपीके फाइल है, यानी ये क्या है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, अपने सर्वर से बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये इस एक्टिविटी को दो तरीके से कर सकता है, पहला तो सर सारा डेटा अपने साथ लेके आए, यानी सारी एक्टिविटीज ऑफलाइन करे,
जो कि नॉर्मली आप बैंकिंग एप्लीकेशन में नहीं देखते होंगे। बैंकिंग एप्लीकेशन तो अपनी सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन परफॉर्म करती है, उसको इंटरनेट चाहिए, वो अपने सर्वर से बात करती है, वहां से डेटा लाके आपको दिखाती है। तो इसका मतलब सर इसका भी कोई सर्वर होगा, और क्योंकि ये एक डेमो एप्लीकेशन है तो ये किसी बैंकिंग सर्वर से तो नहीं जुड़ा होगा। इसका मतलब हमें हमारी लिनक्स मशीन में, हमारी काली लिनक्स की मशीन में एक सर्वर जो है वो कॉन्फिगर करना पड़ेगा इस एपीके के लिए। और इसमें हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। आपको पता होगा जब हमने इनसिक्योर बैंक v2.apk का फोल्डर डाउनलोड करा था तो उसी के साथ उसका सर्वर का फाइल भी आया है, हमें बस उसे एक्टिवेट करना है, उसे स्टार्ट करना है। तो हमारा सिस्टम काली मशीन इसका सर्वर भी बन जाएगा, और इसी बहाने में ये पता पड़ जाएगा कि एक एपीके फाइल किस तरीके से वर्क करती है, अपने सर्वर से कैसे कनेक्ट करती है, कैसे उससे बातचीत करती है। सो बिना देरी करते हुए सबसे पहले हमारी काली मशीन में हम हमारी इनसिक्योर बैंक v2 का सर्वर को स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिगर करेंगे। तो हम चलते हैं काली मशीन में, एंड यहाँ पे उस फोल्डर में जाएंगे इनसिक्योर बैंक के, जहां पे सर्वर फाइल्स है, जो कि है एंड्रॉयड लैब सर्वर। सो हमने लिखा cd एंड्रॉयड लैब सर्वर एंड देन ls। अब यहाँ पे आपको app.py नाम की फाइल विजिबल है, इस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे chmod +x एंड देन फाइल का नाम। या फिर आप चाहें तो एक बार के लिए सभी फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकते हैं ना, बिकॉज ये बाकी फाइल्स को भी यूज लेता रहेगा। तो हमें काम करते हैं chmod +x स्पेस एस्ट्रिक लिख देते हैं, ताकि हर एक फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाए। ls लिखेंगे तो आप देख सकते हैं सारी फाइल्स का कलर चेंज हो चुका है, यानी सबके पास अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे python 2.7। 2.7 इस वजह से बिकॉज ये पूरा प्रोग्राम python 2.7 में बनाया गया है, तो हम इसको एग्जीक्यूट भी python 2.7 से ही करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे app.py, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ मॉड्यूल्स मिसिंग है। इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे python 2 space -m pip install -r requirements.txt। बिकॉज इस रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर, एक बार इसको सही से लिख देते हैं, हाँ, बिकॉज इस रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर वो सारे पैकेजेस हैं जो हमारे इस पाइथन फाइल को रन होने के लिए चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं, सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा, बोल रहा है पाइथन 2 नाम का कोई मॉड्यूल हमें नहीं मिल रहा है, तो 2.7 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, सो बेसिकली एरर ये है कि पीआईपी इंस्टॉल नहीं है, तो पहले हमें पीआईपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कमांड लिखेंगे apt install python 2.7 -pip। ट्राई करते हैं इस नाम का पैकेज है कि नहीं है, तो नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब हमें मैन्युअली पीआईपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर कोई इशू नहीं है, हम हमारे ब्राउजर में जाएंगे और वहां से जाके python 2.7 के लिए एक पीआईपी जो है उसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा python 2.7 pip space get pip .py। ये बेसिकली एक फाइल है जो आपको जल्दी मिल जाएगी अगर आप पूरा नाम लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें स्टैक ओवरफ्लो में एक एरर मिल गया, और उसी एरर के अंदर हमें लिंक मिल जाएगा गेट पीआईपी का। तो ये रहा, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। सो उम्मीद है ये सभी को विजिबल होगा। यहाँ पे कर्ल के बाद में एक एड्रेस लिखा हुआ है https bootstrap, और एट दी एंड हमारे python 2.7 के लिए जो पीआईपी है उसे डाउनलोड करने के लिए एक फाइल दे दिए getpip.py। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के जरिए, और अब हम चलते हैं हमारी मशीन पे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी लिखेंगे, और स्टार्टिंग में कर्ल या wget जरूर लिख देते हैं, तो चलो wget लिख देते हैं। एंटर प्रेस करा, काम करते हैं, wget की जगह कर्ल ही लिख देते हैं, जैसा हमें कमांड में सजेस्ट करा गया था, कर्ल एंड एंटर, बिकॉज इसका एक ऑप्शन आउटपुट यहाँ पे यूज गया हुआ था, इसीलिए एरर आ रहा था। अब अगर मैं ls टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो सेम डायरेक्टरी में getpip.py नाम की फाइल भी आ चुकी है। एक बार chmod वाला कमांड डी एग्जीक्यूट कर देते हैं, ताकि इसके पास भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ जाए। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे python 2.7 space getpip.py, ताकि PIP जो है वो मेरे python 2.7 के साथ इंस्टॉल हो जाए। PIP क्या है? PIP बेसिकली हमारे python का एक साथी है जो उसके पैकेजेस को मैनेज करने का काम करता है, इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, है ना, मैनेज करने का सारा काम PIP करता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा getpip, एंटर प्रेस करा, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे PIP इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से कमांड एग्जीक्यूट करेंगे requirements.txt को इंस्टॉल करने का, यानी python 2.7 -pip install -r requirements.txt, एंटर प्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इस फाइल को इंस्टॉल करते हुए हमारे पास एक एरर आया, यानी इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करते हुए एरर आया। एरर में अगर आप देखेंगे तो आपको setup.py बार बार दिखेगा, और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि कौन सा पैकेज मिसिंग है, वो है सेटअप टूल्स। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे पीआईपी इंस्टॉल, या फिर python 2 -m pip इंस्टॉल के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सेटअप टूल्स एंड एंटर प्रेस करेंगे।
तो ये पैकेज एक बार मैन्युअली इंस्टॉल हो जाएगा तो आगे का काम अपना आप ऑपरेट कर लेगा। अब फिर से री एग्जीक्यूट करते हैं रिक्वायरमेंट्स और टीएक्सटी वाले कमांड को, तो आप देख सकते हैं अब एरर नहीं आ रही है और हर वो पैकेज जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमें चाहिए है पाइथन फाइल को रन करने के लिए, वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। अब हम फिर से app.py को रन करेंगे ताकि वो अपने सर्वर को स्टार्ट कर सके। हमारा मोटिव केवल app.py को रन करना ही था, लेकिन क्योंकि उसे अपने कुछ साथियों की जरूरत थी जो इंस्टॉल नहीं हो रहे थे, तो हमने बाकी के पैकेजेस को इंस्टॉल करा। अब हम यहाँ पे ls लिखेंगे, डिस्प्ले को एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर से ls लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे app.py नाम की फाइल विजिबल है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे python 2.7 space app.py, एंटर प्रेस करा तो हमारा सर्वर भी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और हमने एडीबी के जरिए लास्ट कुछ कमांड्स भी कनेक्ट कर लिए थे और हमने एडीबी के जरिए एक डिवाइस को कनेक्ट करके उसमें कुछ कमांड्स भी एग्जीक्यूट करे थे, बेसिकली एक ऐप इंस्टॉल करा था। तो अब हम यहाँ पे हमारे सर्वर से एक बार ऐप को जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हमारी आईपी एड्रेस चाहिए। तो न्यू टैब ओपन करते हैं, उसको जूम करते हैं, if config कमांड रन करते हैं, if config, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आईपी एड्रेस, गिव मी अ सेकंड, परफेक्ट। हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.66.102, एंड्रॉइड मशीन का 101 था, हमारा 102 है जो लास्ट का पेयर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे एंड्रॉइड डिवाइस पे, एंड यहाँ पे सबसे टॉप में राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं जो कि सेटिंग्स के हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन विजिबल होगा। सो हम प्रेफरेंस वाले टैब में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मेंशन करनी है, ब्लिंक कर रहा है, एक बार इसको बंद कर री एग्जीक्यूट कर देंगे, रिस्टार्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा, फिलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमें आईपी एड्रेस लिखना था तो हमने लिखा 192.168.66.102, आईपी एड्रेस लिख दिया, पोर्ट बिल्कुल सही है, यही पोर्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिव है। आप देख सकते हैं इस पोर्ट पर हम लिसनिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सब कुछ सही है। फिर से चलते हैं एंड्रॉइड डिवाइस पे, तरफ मिनिमाइज कर देते हैं, आई थिंक ये ज्यादा सही रहेगा, परफेक्ट। हाँ तो 8888 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें बस सबमिट बटन पे क्लिक करना है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखेंगे क्या वो सर्वर तक पहुंच रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स लिखता हूँ जो कि है दिनेश, और इसका पासवर्ड था आई थिंक कैपिटल $DINESH $123 लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि आपने गलत पासवर्ड लिखा है, इसका मतलब सर्वर तक डेटा तो जा ही रहा है। उम्मीद है अभी जो हमने हमारी एपीके में एडीबी को कनेक्ट करा और एपीके के सर्वर को कॉन्फिगर करा, ये दोनों पार्ट आप सभी को क्लियर होंगे। अब हमारा एक बैंकिंग ऐप तैयार हो चुका है जो अपने सर्वर से जुड़ चुका है, वो कैसे काम करता है, कहाँ वल्नरेबिलिटीज है, ये हम आगे के प्रोसेस में देखने वाले हैं, और हमारे पास एडीबी भी है ताकि हम एंड्रॉइड्स के अंदर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।